हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शानू किटन सी एस सी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स समझने से पहले हमें एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जब भी सीपीयू एंड आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है, मीन्स सीपीयू जब आईओ डिवाइसेस राइट करता है या रीड करता है, तो उस केस में CPU सिर्फ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शंस का और कुछ डेटा अपने रजिस्टर्स में स्टोर कर सकता है। बट अल्टीमेट जो डेटा का ट्रांसफर होता है टू द आईओ डिवाइसेस या जो डेटा रीड करता है आईओ डिवाइसेस से, वो उसे कहाँ रखता है? वो उसे मेमोरी की हेल्प से परफॉर्म करता है डेटा ट्रांसफर को। सो यहाँ पे CPU मेयरली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, बट जो अल्टीमेट सोर्स है या डेस्टिनेशन है डेटा ट्रांसफर का बिटवीन द आईओ डिवाइसेस एंड द CPU, वो कौन है? मेमोरी है। तो अगर सीपीयू को आईओ डिवाइसेस को कोई भी डेटा सेंड करना है, तो वो डेटा कहाँ स्टोर रहता है? मेमोरी में रहता है, तो उसे वो रीड करता है। और अगर आईओ डिवाइसेस से कुछ भी डेटा वो रीड करता है, तो वो पहले आगे कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, सो इस तरीके से सीपीयू यहां हम देख रहे हैं एज अ इंटरमीडिएट वर्क कर रहा है, अगर हम आईओ से डेटा ट्रांसफर परफॉर्म कर रहे हैं तो। बट यही डेटा ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सेंट्रल कंप्यूटर एंड आईओ डिवाइसेस मे बी हैंडल इन वैरायटी ऑफ मोड्स। यही मोड्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स जनरली हमें किनके किनके बीच पढ़ना है? बिटवीन द सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस, साथ ही साथ सीपीयू के साथ साथ मेमोरी भी आ जाता है। वी कैन से डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम पेरिफेरल्स मे बी हैंडल इन वन ऑफ द थ्री पॉसिबल मोड्स। अब ये थ्री पॉसिबल मोड्स होते हैं। थ्री पॉसिबल मोड्स में कौन कौन से मोड्स होते हैं? वन इज प्रोग्राम्ड आईओ, सेकेंड इज इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो ये कॉमनली तीन मोड्स होते हैं जिसके थ्रू सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस आपस में डेटा ट्रांसफर करते हैं। अब इन तीनों मोड्स में अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ ऐसे मोड्स हैं जिसमें सीपीयू एज अ इंटरमीडिएट वर्क करता है इन द डेटा ट्रांसफर पाथ, और ऐसे भी मोड हैं जिसमें आईओ डिवाइसेस डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करते हैं, जिसमें सीपीयू सेंट्रल पाथ में नहीं होता है। ठीक है, सो इसमें प्रोग्राम्ड आईओ एंड इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, ये इस तरीके के मोड्स हैं जिसमें सीपीयू एज एन इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट। आपको दिख रहा है जब आईओ डिवाइसेस कम्युनिकेट करेगा मेमोरी के साथ डेटा ट्रांसफर के लिए, तो सीपीयू यहाँ पे बीच में रहेगा। ठीक है, जबकि थर्ड मोड है वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि इट इज डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करता, मीन्स आईओ डिवाइसेस डायरेक्टली मेमोरी से डेटा एक्सचेंज कर सकते टू एंड फ्रॉम। इसे हम कहते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसमें दोनों के बीच में एक चैनल होता है, जिसमें DMA कंट्रोलर होता है जो कि आईओ डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर को मैनेज करता है। सो हियर डायरेक्ट ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम मेमोरी, यहां पे मेमोरी से डायरेक्टली ट्रांसफर होता है। तो ये हो गए मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स, जो कि तीन तरीके के होते हैं। अब इन शॉर्ट अगर हम देखें तो प्रोग्राम्ड आईओ क्या होता है? प्रोग्राम्ड आईओ जनरली सीपीयू को अगर कोई भी ट्रांसफर इनिशिएट करना है आईओ डिवाइसेस के साथ, या उसे इनपुट देना है या उसे आउटपुट देना है, तो आईओ डिवाइसेस को वो पहले वेट करता है कि क्या ये फ्री हैं, तो वो कंटिन्यूसली उसे चेक करता रहता है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद आईओ डिवाइसेस का स्टेटस चेक करता रहता है, अगर आईओ डिवाइसेस फ्री हैं इन दैट केस वो ट्रांसफर अकर होता है। बट जब तक वो रेडी नहीं हो जाता, तब तक सीपीयू वेटिंग स्टेट में रहता है, कंटिन्यूसली इसका स्टेटस चेक करते रहता है, जिसकी वजह से ये वाला मेथड स्लो हो जाता है और सीपीयू का परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होता है। तो इसी का इम्प्रूवमेंट आया है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ में क्या होता है? सीपीयू का अगर कुछ भी डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करना है, इनपुट या आउटपुट,
तो उसने आईवो डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दिया। अब आईवो अगर बिजी है तब तो वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज हमें मालूम आईवो डिवाइसेस की स्पीड स्लो होती है कंपेयर टू सीपीयू, तो जो भी इंस्ट्रक्शन वो पहले कर रहा होगा वो स्लोली स्लोली परफॉर्म कर रहा होगा, और सेम टाइम पे अगर सीपीयू का कुछ आता है उसे परफॉर्म करने के लिए, उसे इनपुट लेना है या उसे आउटपुट देना है, तो सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। किस में? प्रोग्राम आईवो में। तो इस वेटिंग को हटाने के लिए हमने क्या किया, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईवो लाया। इट मीन्स जब भी सीपीयू उसे इंस्ट्रक्शन देगा और आईवो डिवाइस उसे बिजी मिलता है तो सीपीयू अपना काम करने लग जाता है, और आईवो डिवाइस जैसे ही फ्री होगा वो सीपीयू को बताएगा एक इंटरप्ट सिग्नल भेज के कि मैं रेडी हो गया हूँ डेटा ट्रांसफर के लिए, अब आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। तो यह है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईवो। नाउ तीसरा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इस केस में क्या होता है, आईवो डिवाइसेस जनरली सीपीयू के बजाय डायरेक्टली मेमोरी से कम्युनिकेट करते हैं, और जो भी बल्क में जनरली जो हार्ड डिस्क होते हैं वो इस मेथड को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें बल्क में ट्रांसफर करना होता है। अगर बल्क में डेटा ट्रांसफर करना है तो बार बार सीपीयू को एज अ इंटरमीडिएट पाथ अगर वो जाएंगे तो काफ़ी स्लो ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए वो डायरेक्टली मेमोरी से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक मेथड हो गया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, अब इसे हम डिटेल में वन बाय वन देखेंगे, तो प्लीज़ वॉच द डिटेल वीडियो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें, साथ ही साथ इसे लाइक शेयर और इसमें कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।